मेडिसिन टू क्योर स्टैमरिंग। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो कौन सी मेडिसिन को खाने के बाद मेरा स्टैमरिंग और कम हो जाए। दोस्तों ऐसी मेडिसिन आपको इंटरनेट पे मिल जाती है जो क्लेम करते हैं कि यस इसको खाने से आपका स्टैमरिंग और कम हो सकता है। पर दोस्तों उस मेडिसिन में होता क्या है, उस मेडिसिन में ऐसे कुछ कॉन्टेंट होते हैं जो खाने के बाद आपका ब्रीदिंग वो कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है, रिड्यूस करते हैं। मतलब कि आप घर पर हो, बाहर हो, स्टेज पर हो, इंटरव्यू दे रहे हो, कहीं भी हो, आपका ब्रीदिंग स्टेट वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। पर क्या आप ऐसी मेडिसिन लाइफ टाइम खाना चाहोगे, क्या उस मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है? कि यस हो सकता है। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है? इसका उससे सिंपल आंसर ये है कि जब भी आप बाहर जाते हैं, घर पर हो, कहीं पे भी हो, अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए, नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कीजिए। आप एंग्जाइटी में हो, अपने ब्रीदिंग को अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपको कोई भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका ब्रीदिंग ही आपके स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जब आप घर पे अकेले होते हो तो आपका ब्रीदिंग स्टेट नॉर्मल है और जब घर से बाहर होते हो आपका ब्रीदिंग स्टेट चेंज हो जाता है। इसलिए अपने ब्रीदिंग स्टेट को कंट्रोल कीजिए और अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कीजिए।